नमस्कार, BCN न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बीते 24 घंटे में देश में 41,195 नए केस आए सामने, 490 मरीजों की हुई मौत। क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी, EOS-03 की लॉन्चिंग फेल, KC1 ने दी जानकारी। शहर में रात 10 बजे तक शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रहेंगी शुरू, व्यापारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन का डबल डोज जरूरी। अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार, SC ने चेताया, फाइलों पर बैठे रहते हैं शिक्षणाधिकारी। मई और जून की सब्सिडी न मिलने की शिकायत, ऊर्जा मंत्री से कर चुके हैं औद्योगिक संगठन, बिजली सब्सिडी को लेकर कोर्ट जाएंगे उद्यमी। हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग से मांगा जवाब, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं। AMF निवेश में नागपुर टॉप 10 में, पिछले वर्ष था 14वें स्थान पर। पूरक परीक्षा के लिए आवेदन पंजीकरण शुरू, 18 अगस्त तक कर सकेंगे नियमित फीस के साथ आवेदन। उधारी पर चंद्रपुर जाएंगे मेडिकल के 25 डॉक्टर, NCI के निरीक्षण के लिए फिर पुराना खेल। पुलिस ने गंगा जमुना को किया सील, धारा 144 लागू, देह व्यवसाय पर सख्त कार्रवाई। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।